हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। अभी मैं पार्लर जा रही हूँ, मुझे आईब्रो करवाना है। पार्लर में अभी जा रही हूँ क्योंकि शाम में मुझे एक पार्टी में जाना है, तो मैं सोच रही थी कि पहले पार्लर से हो लेती हूँ, फिर आके ड्रेस वगैरह निकालूंगी, देखूंगी क्या पहन के जाना है। वैसे पूजा में जा रही हूँ तो साड़ी या सूट वो बाद में बताऊंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ। और मिलिए मेरे बेटे से। बेटू, इसकी भी नौटंकी कम नहीं है, जब मैं आती हूँ तो आ जाती है, जब कैमरा खोलती हूँ तो शर्मा के भाग जाती है। बेटू बेटू, ये मेरे बेटू का बाप है। ओए, ये देखिए इसको, ये मेरा जीना मुश्किल कर देती है जब मैं इस गली से बाहर निकलती हूँ। ओए कल्लू कालिया, अपनी बेटी को समझाता नहीं है कुछ, कैसा बाप है रे तू? तू बाप है हाँ? तू बाप बनने लायक नहीं है जब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देख देख तेरी बेटी क्या कर रही है देख। और वो पता नहीं वो कैसी माँ है, इसको समझाती नहीं है, इस कुतिया को समझाती नहीं है। बहुत मारूंगी बेटा। ओए ओए छोटी वाली कुत्ती, तू बाहर कहाँ घूम रही थी कल हाँ? ये जो है ना फैमिली मेंबर, इनमें सबसे शांत वो कुत्ता था। किधर गया कल्लू कालिया, किधर जा रहे हो हाँ? सोना बेटू, इधर इधर देखो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, शर्माओ नहीं, नहीं बात करोगे? ठीक है मैं जा रही हूँ, चलो बाय बाय बाय। ये जो मेरे बच्चे हैं इनसे पीछा छोड़ाना बहुत ही मतलब मुश्किल वाला काम है, लेकिन मैं भाग गई। नहीं आ रहे। क्या करती है ना छोटी वाली जो बच्ची है, वो बहुत दूर तक आ जाती है, बाहर आती है, और मुझे हमेशा डर बना रहता है कि सड़क पे आ जाएगी तो धक्का खा जाएगी। और मैंने उसको बहुत बार डांटा है कि तू घर में ही रहा कर, बाहर ना निकल, लेकिन क्या करे, बच्चे होते ही हैं, आदत से मजबूर हो। अभी मैं पार्लर हो लेती हूँ, फिर देखूँगी क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, आईब्रो करवा के मिलती हूँ आपसे। मेरा आईब्रो बन चुका है, और मेरे आईब्रो में ज़्यादा बाल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा पतला ही दिखता है, और मैं हमेशा चौड़ा बनवाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे चौड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बाल भी तो होने चाहिए ना। कम है तो ठीक बना है, अच्छा लग रहा है। और मैंने अपने खुद के बाल बांध लिए हैं ताकि आईब्रो करने में वो ना हो, तकलीफ़ ना हो, उड़ के आँखों में ना आए, इसके लिए। अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ। आपका फ़ोन आ रहा है शायद। फाइनली दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने पहना है ग्रीन में साड़ी। ये देखिए, ये ना मिक्स है, ग्रीन और ब्लू में मिक्स है। देखो मैंने साड़ी तो डाल लिया है, लेकिन चप्पल घर वाला ही पहना है अभी तक। इसको जा रही हूँ मैं चेंज करने। अभी साड़ी दिखा रही थी ना, तो मुझे याद आया कि मुझे अभी चप्पल चेंज करना है, वरना तो मैं ऐसे ही निकल गई होती। और मैंने आज रेड लिपस्टिक ट्राई किया है, मुझे तो उतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि लगा के देखते हैं। ठीक लग रहा है, अभी चल जा रहा है। और मेकअप मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ मेकअप कैसे करते हैं। और जिस कलर की साड़ी है मतलब ग्रीन, उस कलर का बिंदी भी ग्रीन है, और इयर रिंग्स ग्रीन मतलब है, लेकिन उतना भी ग्रीन नहीं है, ये थोड़ा आसमानी जा रहा है, लेकिन मैच कर जा रहा है, तो मैंने इसको पहन लिया। और बाल तो एकदम सिंपल से खुले रहेंगे क्योंकि मुझे बाल बांधने आती नहीं है, इसके लिए। और मैंने येलो चूड़ी डाला है क्योंकि मेरे पास इसके सिवा दूसरा कोई भी चूड़ी नहीं है। है बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा वो अलग टाइप का है, मुझे थोड़ा ढंग का लेना पड़ेगा। और मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ आंसू के साथ पूजा में। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि मैं ठीक लग रही हूँ, या थोड़ा ज़्यादा हो गया है, या ठीक है। दोस्तों मैं पूजा में आई हूँ, और यहाँ पर पूजा तो चल ही रहा है, साथ में ड्रामा भी चल रहा है। इस ड्रामे को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो लड़की है ये माता रानी बनी है, और
ये आदमी बस ऐसे ही लड़ाई करने आया है, ये मुझे दुश्मन लग रहा है। ये सामने जो घूम रहा है वो जोकर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और मैं इसको पहली बार देख रही हूँ, अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ऐसा ड्रामा भी होता है पूजा में, आज के पहले मैंने कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है देख के। फोन पे का स्कैन चुकाने लगा था। हैप्पी रामनवमी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।